इन दिनों राजनीति में सोशल मीडिया वॉर बहुत प्रचलित हो गया है। आए दिन नेता मंत्री एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इसी ट्विटर वॉर में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार की तुलना बीते कुछ सालों से की है। उन्होंने ट्वीट में नीतीश कुमार को महिलाओं का दुश्मन कहा है। राबड़ी देवी ने सुशासन सरकार पर धावा बोलते हुए कहा, महिलाओं पर बढ़ता अत्याचार, महिलाओं की दुश्मन नीतीश सरकार। उन्होंने पहले ट्वीट में पूछा कि 2002 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले आपराधिक मामले 5000 थे, जो अब सुशासन बाबू की सरकार में 15000 यानी 3 गुना बढ़ गया है। यह बढ़ते आंकड़े नीतीश कुमार के किए हुए वादों को झूठा साबित कर रहे हैं। दूसरे ग्राफ में साल 2016 में अपहरण के मामले 21% था, जो 2018-19 में बढ़कर 50% हो गया है। यह आंकड़े नीतीश कुमार के नाकामियों को दर्शा रहे हैं। बिहार राजनीति में आए दिन ट्विटर ट्रेंड चल रहे हैं, जिसमें नेता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया करते हैं।